वैसे अभिषेक जी आपको एक बात बताऊं, आपसे मेरा पुराना हिसाब है, बहुत पुराना, बहुत ज्यादा। देखिए मेरा मुंह धुंधला हो रहा है, बहुत पुराना। मतलब मैं पैदा हुआ आपकी वजह से, मतलब एक पर मैं बड़े वाले बच्चन साहब की वजह से पैदा हुआ। मेरी माँ एक्सपेक्ट कर रही थी, वो शोले पिक्चर देखने चली गई जी, और गब्बर की एंट्री हुई। गब्बर ने कहा के बच्चों आई केम आउट। तो मेरे को लगा कुछ बच्चन साहब से कनेक्शन है, क्योंकि जब भी मैं किसी को फोन करता था एक ही आवाज आती थी, आपकी कॉल प्रतीक्षा में है, प्रतीक्षा में है, प्रतीक्षा। मुझे लगा अपने प्रतीक्षा में कुछ है। मैं अपना हिस्सा मांगने चला गया था जलसा के पास। मैं बोलने वाला था कि दूर से बच्चन साहब ने मना कर दिया। फिर किसने बताया मना नहीं कर रहे हैं, संडे को ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं वो। तो मैं पास गया। मैंने कहा आपने कहा रिश्ते में आप लगते हैं, मेरा हक है, मेरे जायदाद में हिस्सा दीजिए। उस दिन पता चला कि कानून के नहीं बच्चन के भी हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहुत गंदा मारा। No, that I get it, but let's not get into parents and all that, na. मेरे तक रखिए ना पिताजी पे, वो मैं थोड़ा sensitive हो जाता हूँ। नहीं सर, मैं हम सारे fine हैं, तो मैं उस sense for everyone, सबके लिए, हम सबके लिए सर। मैं तो उसी UP से आता हूँ, मैं तो उसी बात है। मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे, मैं पहली first time फर्स्ट से मिल रहा हूँ। अरे क्या बोला था मैंने, इस लाइन में मैं तेरा बाप हूँ बॉस। ट्रोल ऐसे करते हो। केस तो हम सेलिब्रिटीज पर लगाते रहेंगे, क्योंकि ना सेलिब्रिटीज की कमी है ना ही उन पर अतरंगी इल्जामों की, क्योंकि झूठे गवाह और सबूत तो मौजूद ही रहते हैं। जल्दी नए सेलिब्रिटीज को खड़ा करेंगे कटघरे में और लगाएंगे उन पर अतरंगी इल्जाम। तो देखना ना भूलिए, केस तो बनता है ओनली ऑन Amazon मिनी टीवी।